हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आप अपने चैनल बैंकिंग करियर को। मेरा नाम उमेश यादव है। दोस्तों, आप SBI जूनियर एसोसिएट एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, आप सभी के लिए मोटिवेशनल वीडियो है। मैं आप सभी को इस वीडियो में SBI क्लर्क यानी जूनियर एसोसिएट का सैलरी स्लिप जो है मई मंथ का डिस्कस कराने वाला हूँ। आप देख सकते हैं, एक जो है जूनियर एसोसिएट को आफ्टर 2 ईयर के बाद सैलरी जो है 65,000 प्लस जो है सैलरी मिला है। इतना जो है सैलरी कैसे मिला है, आप न्यू ज्वाइन करेंगे तो आपको जो है सैलरी कितना मिलेगा, इन सभी पॉइंट को लेकर के हम लोग इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तो आप सब लोग जो है इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। और दोस्तों, आप सभी के लिए खुशखबरी है, मैं आप सभी के लिए जो है अपना एप्लीकेशन लॉन्च कर दिया हूँ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के आप लोग जो है उसको ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और आप सभी को वहां पर फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट और बहुत सारी चीजें आपको मिलेगा। आपके लिए जो है कम पैसे में आपको कोर्सेस भी मिलेगा, तो आप जाकर के उसको जरूर जो है देखिए। और मेमोरी बेस्ड पेपर का भी लिंक दिया हूँ डिस्क्रिप्शन में, उसको भी जाकर के अटेम्प्ट कर लीजिए। आप सभी को डेफिनेटली जो है उससे मदद मिलेगा और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। और SBI क्लर्क एग्जाम के लिए जान लगाकर प्रिपरेशन कीजिए। सैलरी स्लिप देखिए, आपको जो है डेफिनेटली जो है मोटिवेशन मिलेगा। आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो है मई मंथ का सैलरी स्लिप है, यानी जो है लास्ट मंथ का सैलरी स्लिप है। यहाँ पर इनको बेसिक पे जो है 20,900 से स्टार्ट हुआ है, यानी दोस्तों आप जो है न्यू ज्वाइन करोगे तो आपका बेसिक पे जो है 19,900 से स्टार्ट होगा। इनको जो है 1 एडवांस इंक्रीमेंट मिला है, यानी 1,000 का इनको जो है एक इंक्रीमेंट मिला है। उसके बाद इनको DNS एडवांस जो है 6,532.35 रुपीज मिला है। हाउस रेंट एडवांस जो है 2,193.50 रुपीज़ मिला है। ट्रांसपोर्ट एडवांस जो है यहाँ पर 600 रुपीज़ मिला है। यहाँ पर दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, LFC यानी दोस्तों लीव फेयर कंसेशन होता है। आप जब SBI जूनियर एसोसिएट ज्वाइन करोगे तो आपको 2 ईयर के बाद, यानी एवरी 2 ईयर पर आपको जो है LFC मिलेगा। इसमें जो आपको जो आपके डिपेंडेंट हैं उनको जो है ट्रैवल के लिए लेकर के जा सकते हैं, तो ये आपको जो है एक फिक्स अमाउंट मिलता है। आप लेकर के जाओ या नहीं लेकर जाओ, उनका नाम दे दोगे तो आपको जो है ये अमाउंट मिल जाएगा। तो इनको जो है 17,118 रुपीज मिला है। और यहाँ पर जो है एरियर ऑफ अर्निंग और स्पेशल एडवांस जो है इनको काफ़ी अच्छा अमाउंट मिला है, और स्पेशल पे न्यू जो है 500 रुपीज मिला है। ये सभी आपको मिलेंगे, लेकिन यहाँ पर इनको एरियर ऑफ अर्निंग जो मिला है, यानी दोस्तों आपका जो प्रोबेशन पीरियड खत्म होगा उसके बाद जो है एज ए आप कैशियर वर्क कर सकते हो, यानी आपका जो कैपेसिटी है उससे ज़्यादा कैपेसिटी पर आप वर्क करोगे, कैशियर जो है उसको संभालोगे, तो इसके लिए आपको जो है SBI में एक्स्ट्रा अमाउंट मिलता है। यहाँ पर इनको जो है 23,000 प्लस अमाउंट मिला है। इनको जो है एक 2 मंथ का अमाउंट जो है ऐड करके मिला होगा। जनरली जो है अमाउंट 8,000 प्लस के आसपास में आता है आप जब कैशियर बनोगे, तो इसके लिए आपको एक्स्ट्रा अमाउंट मिलता है, जैसे कि इनको जो है यहाँ पर मिला हुआ है। यानी दोस्तों इसके वजह से इनका टोटल ग्रॉस पे की बात करें तो 74,296.60 रुपीज़ मिल गया है। यहाँ पर डिडक्शन भी हुआ है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हो, आपको 1 ईयर के बाद 6 मंथ के बाद आप जो है एज ए कैशियर वर्क कर सकते हो, और उसके लिए आपको एक्स्ट्रा अमाउंट जो है पे करती है SBI, तो काफ़ी अच्छा है। इससे डेफिनेटली आप सभी को जो है मोटिवेशन मिलेगा। यहाँ पर इनको जो है PF कंट्रीब्यूशन का जो है 2,140 रुपीज़ कटा है। प्रोफेशनल टैक्स की बात करें तो यहाँ पर 200 रुपीज़ कटा है। यहाँ पर दोस्तों एक जो है फेस्टिवल एडवांस है, यानी दोस्तों आपका प्रोबेशन पीरियड जब खत्म हो जाएगा तो आप जो है 1 मंथ का एडवांस सैलरी आप ले सकते हो, उसको हम लोग फेस्टिवल एडवांस बोलते हैं, और ये आपका जो है एवरी मंथ आपको पेमेंट से जो है कट जाएगा। तो इनको 2,700 रुपीज़ जो है मई के मंथ में कटा है। उसके बाद आपका यूनियन का जो मेंबरशिप चार्ज होता है 60 रुपीज़ कटा है। एरियर ऑफ अर्निंग पर जो है PF कटा है 1,050 रुपीज़ कटा है। उसके बाद कंट्रीब्यूटिव पेंशन फंड 2,690 रुपीज़ इनको कटा है। टोटल डिडक्शन की बात करें तो 8,840 रुपीज़ उनको डिडक्शन हुआ है, और टोटल होम पे की बात करें तो 65,457 रुपीज़ जो है एक क्लर्क को मिला है। यानी दोस्तों एज ए आप जूनियर एसोसिएट ज्वाइन करते हो तो आपको 1 ईयर के बाद 2 ईयर के बाद जो है आपका काफ़ी अच्छा जो है सैलरी हो जाएगा। आप न्यू ज्वाइन करोगे, अभी जो अपना नोटिफिकेशन आया है, न्यू ज्वाइन होगा तो आपको 30,000 प्लस आपको जो है सैलरी मिलेगा। उसके अलावा भी जो है आपको एक्स्ट्रा भी जो है अमाउंट मिलता है, जैसे कि आपको पेट्रोल के लिए मिलता है, उसके बाद न्यूज़ पेपर एडवांस मिलता है। ये सभी मिलाकर के आपको जो है 3,000 एक्स्ट्रा आपको मिलता है। ये जो है HRMS में आपको जो है पुट करना होता है, तो एवरी मंथ आपको एक्स्ट्रा जो है 3,000 आपको मिलेगा। यानी दोस्तों आप न्यू ज्वाइन करोगे तो आपको जो है अप्रोक्सीमेटली 33,000 रुपीज़ के आसपास में आपको जो है पेमेंट मिलेगा। और 1 ईयर के बाद 2 ईयर के बाद जैसे आपका इंक्रीमेंट होगा वैसे आपका बेसिक पे बढ़ते रहेगा, उसी के अनुसार से आपका जो है सैलरी भी बढ़ते रहेगा। उसके बाद जो है आप JIB CIB क्वालिफाई कर लेते हो तो और भी जो आपका इंक्रीमेंट हो जाता है, तो उससे भी आपको जो है सैलरी बढ़ जाता है। यानी दोस्तों ओवरऑल बात करें तो आप न्यू कैंडिडेट हो, अभी भी आप ज्वाइन करते हो, तो आपको 33,000 प्लस आपको जो है सैलरी मिलेगा। 1 ईयर 2 ईयर के बाद और भी जो आपको ज़्यादा सैलरी मिलेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर इनको जो है मई मंथ में 65,000 प्लस जो है सैलरी मिला है। तो दोस्तों काफ़ी अच्छा है आप सभी के लिए। डेडिकेशन के साथ, मोटिवेशन के साथ
ये जो अपना SBI क्लर्क का नोटिफिकेशन है जिसका एग्जाम जो है बहुत जल्दी होने वाला है, उसके लिए आप जान लगा कर प्रिपरेशन कीजिए। मैं आप सभी को हमेशा कोई भी इंपॉर्टेंट जो है इन्फॉर्मेशन होता है तो शेयर करता हूँ, आप सभी को मैं हमेशा जो है प्रॉपर जो है गाइड कर रहा हूँ, तो आप लोग जो है अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए। आपको कोई डाउट है तो मुझे जरूर जो है कमेंट करके पूछिए, मैं आप सभी को हेल्प करूंगा। आप सब लोग जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के अपना ऐप जो है जरूर डाउनलोड कर लीजिए, और आप सभी के लिए मेमोरी बेस्ड पेपर का भी लिंक दिया हूँ, उसको भी जाकर के आप लोग जो है अटेम्प्ट कर लीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप सभी को डेफिनेटली जो है मदद मिलेगा। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग बैंकिंग करियर। गॉड ब्लेस यू ऑल।